हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से मेरी चैनल टेक्निकल वर्ब में। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेज़ोन ऐप के न्यू अपडेट के बारे में। मैंने जो एक वीडियो बनाया था कि अमेज़ोन एप्लीकेशन में स्विच अकाउंट कैसे करते हैं, तो आज मुझे एक कमेंट आया प्रिंस गुप्ता जी जी की तरफ से। तो वो कह रहे हैं कि अभी वो स्विच वाला ऑप्शन वहीं पर शो नहीं हो रहा है। तो मैंने देखा तो सही में वो ऑप्शन चेंज हो गया था, तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके वो देख लिया कि ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं बात करता हूँ, और थैंक यू सो मच प्रिंस गुप्ता जी कि आपने मुझे ये इन्फॉर्म किया। तो चलिए, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज़, यहाँ पे मैं आ गया हूँ फ्लिपकार्ट के ऐप में। तो यहाँ पे आपको जाना है अपने लेफ़्ट साइड में 3 लाइन्स पे। अब आपको जाना है, पहले हम जाते थे योर अकाउंट में, तो वहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिल जाता था स्विच अकाउंट वाला, बट यहाँ पे न्यू अपडेट में ये ऑप्शन नहीं है। तो चलिए बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब आपको कहाँ पे जाना है, आपको योर अकाउंट पे नहीं जाना है, आपको डायरेक्टली नीचे सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स पे आने के बाद आप देख पा रहे हो कि साइन आउट के ऊपर स्विच अकाउंट वाला ऑप्शन आ गया है दोस्तों। तो यहाँ पे से आपका अकाउंट स्विच हो जाएगा, और आप अपना अकाउंट वहाँ से यहाँ से स्विच कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल दोस्तों। थैंक यू सो मच।